या सो आयोल, आज हम रिएक्ट का एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद रिएक्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड रिएक्ट हुक्स, लोडेस एंड रिएक्ट क्वेरी टू फेच द डेटा और रिएक्ट बूटस्ट्रैप फॉर द यूआई एंड ऑब्वियसली टाइपस्क्रिप्ट। या सो हाय ऑल, आई एम मनुज सिंगला एंड आई वुड लाइक टू टीच एवरीबडी वेब डेवलपमेंट एंड मेक्स द लाइफ ईजी फॉर द वेब डेवलपर। और गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं कि ये मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है एंड इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये पहले हम यूआई पे रेंडर कर रहे हैं, जैसे 6 to 7 रिकॉर्ड्स हम रेंडर कर रहे हैं। उसमें एक एडिट डिलीट का ऑप्शन है, सो इफ़ यू वुड लाइक टू डिलीट इट तो डिलीट हो जाएगा और डिलीट रिसोर्सेज जैसे अलर्ट दिखेगा आपको। एंड जैसे अगर आपको रिसोर्स, न्यू रिसोर्स ऐड करना है तो जस्ट ऐड न्यू रिसोर्स एंड सेव क्लिक। तो अभी न्यू रिसोर्स को ऐड हो गया है और आपको अगर अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो। तो न्यू रिसोर्स अपडेट हो गया। अगर आपको सेम रिसोर्स को डिलीट करना है तो डिलीट, एडिटेड रिसोर्स डिलीटेड मीन्स ये हमको एक टोस्ट मैसेज बोलते हैं इसको, हम ये भी शो करने वाले हैं। और जैसे आप एडिट करोगे तो एक मॉडल ओपन हो जाएगा, क्लोज पे सेव पे हम कैसे यूज करेंगे और सेम मॉडल को एडिट और न्यू के लिए कैसे यूज करेंगे और डिलीट पे हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विथ रिएक्ट क्वेरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड हम पूरा स्क्रैच से बनाने वाले हैं विथ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। और गाइस, अगर आपको फिर भी कुछ कमेंट, कुछ डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कर देना वीडियो पे। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करने वाले हैं, कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे तो अब हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे, प्रोजेक्ट का नेम हम देंगे प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट एंड जस्ट स्टार्ट इट। तो ये न्यू प्रोजेक्ट बना देगा विद टाइपस्क्रिप्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है अभी। बहुत सिंपल हो गया अब। आप अपने को कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप सब करके देता है हमको। जस्ट हमको अपना प्रोजेक्ट कोड स्टार्ट कर देना, क्योंकि इससे पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं था तो उससे पहले हमारा बहुत टाइम स्पेंड होता था सिर्फ हम एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। तो ये सब कुछ डाउनलोड कर रहा है, डिपेंडेंसी एंड ऑल थिंग्स, रिएक्ट ओम, टाइपस्क्रिप्ट एंड ऑल थिंग्स। तो कभी कभी ये टाइम ले लेता है, ये सब कुछ आपके वाईफाई नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग रहा है एक प्रोजेक्ट को डाउनलोड होने में। ओके, सो प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड नाउ। अभी हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया विद टाइपस्क्रिप्ट और हमारे पैकेज डॉट जेसन में सभी स्क्रिप्ट्स लिखी होती हैं। जैसे npm स्टार्ट से क्या होगा, रिएक्ट स्टार्ट से स्टार्ट होगा, बिल्ड से बिल्ड होगा, टेस्ट रन होंगे। एंड अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको ये प्रोजेक्ट ए सोर्स फोल्डर होता है उसके अंदर सभी एक बेसिक दे के रखते हैं। ये अगर हम बेसिक स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार, तो अभी ये क्या करेगा, बिल्ड करेगा एंड स्टार्ट कर देगा, ओपन कर देगा सर्वर को। ये बेसिक ये स्टार्ट हो जाना चाहिए अब। स्टार्ट, ओके, स्टार्ट हो गया। अब आप इसमें क्या करो, कुछ चेंजेस करके देख लो, गेट लिंक, आप श्योर हो जाओगे कि हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। या तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन।
अब हम अपने चेंजेस करते हैं। उसके लिए अब हमको क्या करना होगा, लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जैसे हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज करने वाले हैं फॉर द यूआई, लोडेस का यूज करने वाले हैं, रिएक्ट क्वेरी का यूज करने वाले हैं। ओके, तो हम इनके पैकेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। तो इन्होंने पूरा अपने को समझा रखा है कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट कॉपी करना है आपको, जस्ट करना है। और आपको अगेन टाइप स्क्रिप्ट है तो आपको टाइप स्क्रिप्ट के लिए भी इस उसके टाइप्स डाउनलोड कर लेगा। तो अभी मैंने क्या किया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लिया फॉर द यूआई। मैं आपको पूरा स्क्रैच से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्लीज़ आप इस प्रोजेक्ट को खुद से भी करके देखिए, तो आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पर हम क्या क्या करते हैं और कैसे कब डाउनलोड करते हैं, कब हमारा डेटा फेच हो रहा है। ये बहुत अच्छा है कि आप वीडियो देख रहे हो, पर वीडियो के साथ साथ आप प्लीज़ प्रोजेक्ट भी बनाइए। तो इट्स समटाइम इट टेक्स टाइम, इट ऑल डिपेंड ऑन द नेटवर्क। तो ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। इतना हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर, डाउनलोड हो रहा है ना इतना। जैसे इन्होंने कंपोनेंट्स हैं इसके, तो ये सब कंपोनेंट्स हैं। तो अभी मैंने क्या, हम क्या कौन सा कंपोनेंट यूज करने वाले हैं इसके लिए, हम लिस्ट ग्रुप, ये कंपोनेंट हम यूज करने वाले हैं। ओके, एंड फॉर नोटिफिकेशन, जो मैंने आपको साइड में नोटिफिकेशन दिखाई थी, और रिएक्ट टोस्ट एक लाइब्रेरी है, हम इसका यूज करने वाले हैं। ये देखो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सक्सेस इनफो वार्निंग एरर मैसेज आप ये कोई भी शो कर सकते हो। तो हम इसका इस लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं। और इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, और इसमें हम ये लेआउट्स दे रखा है इन्होंने, ग्रिड लेआउट है। तो आप जैसे कंटेनर में रो कॉल ये सभी यूज कर सकते हैं। एंड सबसे पहले हम गेटिंग स्टार्टेड के लिए उन्होंने क्या बोला, पहले ये इंस्टॉल कर लिए, हमने अभी इंस्टॉल कर लिया। एंड फिर अब हम बूटस्ट्रैप को जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे index.html। हमारी इसमें हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप हमने इंस्टॉल कर लिया, मींस इंपोर्ट कर दिया। एंड उसके क्या, तो हमको सिर्फ यही करना था। और अगेन अभी हमारा ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है, जस्ट हमको ये सिर्फ डाउनलोड हो रहा है। ओके, सो अभी हमने क्या क्या इंस्टॉल कर लिया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड ये बूटस्ट्रैप। अब हम देखेंगे रिएक्ट क्वेरी, अब हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट क्वेरी टाइप्स, रिएक्ट क्वेरी एंड रिएक्ट टोस्ट टाइप्स टोस्ट। तो अगेन अभी ये कुछ टाइम लेगा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। तो इतना अभी हम लोड एस एंड एट द रेट टाइप्स लोड एस करते हैं। मैं ओ टोस्टिफाई, द नेम इज टोस्टिफाई। ओके, सो मैं इसके बाद उसको इंस्टॉल कर लूँगा। सो फिर हमारी इंस्टॉलेशन पार्ट इज कंप्लीट, और फिर अब उसके बाद फिर हम अपने कंपोनेंट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो अभी हम रिएक्ट टोस्टिफाई डाउनलोड करेंगे। And at the rate types. Okay, so ये download हो जाएगा इतना। अभी हम देखेंगे packet.json में कौन कौन से packages आ गए हैं। जैसे हमारा ये testing के लिए use करते हैं हम, bootstrap आ गया हमारा, Lodash आ चुका है, and React Bootstrap, React DOM, React Query। Okay, Lodash इसका हम
एंड टाइप स्क्रिप्ट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। ओके सो उससे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पर हमारे सारे कंपोनेंट्स ऐड होंगे, और फिर एक हम बनाएंगे यूटिल्स। चलो हम वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिसोर्सिस। सिंपल हम जस्ट और इसको हम ये सब रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हमको नहीं चाहिए। अब हम हमारा कोड निकलने वाले हैं। एंड हम क्या करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का ये वाला कंपोनेंट यूज करेंगे। एंड इसको रिएक्ट बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट कर लेंगे। सॉरी अब हम यूआई पे देखते हैं कि हमारा चेंजेस आ गया है कि नहीं। सॉरी ये अनस्टार्ट, वी हैव टू स्टार्ट द सर्वर। और उसके बाद फिर हम अपना काम मीन्स एक इसके अंदर हम चीज़ें अपनी राइट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। या सो यूआई पे रिसोर्सेज दिखने लग गया, अब हम इसमें अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके सो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको डेटा फेच करना है जो हमने यूआई पे ये किया हो ना, ये डेटा फेच करना है। ओके सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे। राइट सो एपीआई कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट क्वेरी का यूज करेंगे। सो इसके लिए हम सिर्फ सिंपल रिएक्ट क्वेरी का यूज करने वाले हैं। तो इसमें हम रिएक्ट क्वेरी उसके आईडी एंड कौन से एपीआई से डेटा फेच हो रहा है। सो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं हुक्स, जहाँ पर हम अपनी कस्टम हुक्स लिखेंगे एंड उसका नाम दे देते हैं हम रिसोर्सिस क्वेरी डॉट ईएस। एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज क्वेरी यूज क्वेरी का यूज करने वाले हैं। एंड उसके लिए फिर हमको एक कॉन्स्टेंट चाहिए। सो कॉन्स्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक और फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो पहले हमें इग्नोर, जैसे कि मैं फोल्डर है हिस्ट्री वो रिमूव कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। अभी हम इनम्स करके एक फोल्डर बनाएंगे क्योंकि रिएक्ट क्वेरी को एक कॉन्स्टेंट लगता है इसलिए। सो इसका नाम देंगे हम रिएक्ट क्वेरी कॉन्स्टेंट। यस वहाँ पर हम इनम बना लेंगे।
ओके ये कॉन्स्टेंट बना लिया। अब हम ये क्या करेंगे, ये हम रिएक्ट क्वेरी को पास करेंगे सिंपल। सोर्स एंड यहाँ पर भी रहेगा मेरा फंक्शन रिएक्ट रिसोर्सिस, एंड फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे ऑप्शंस। ओके अब हम उनको क्या क्रिएट करना है, फेच रिसोर्सिस मीन्स जो डेटा फेच करेगा हमारे लिए। तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर एक और फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे यूटिल्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, वन बाय वन बना रहा हूँ, जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट बनती रहेगी वैसे वैसे, जैसे अब तब भी यूटिल्स के जितने भी क्लासेज जो भी हमारे फंक्शन है यूटिल्स वाले यहाँ पर आएंगे, हुक्स वाले इस फोल्डर स्ट्रक्चर इन हम्स यहाँ पर आएंगे, कॉम्पोनेंट सारे यहाँ पर आएंगे। तो आप जैसे देख रहे हो कि फोल्डर स्ट्रक्चर भी बन रहा है, प्लस आपको समझ भी आ रहा है कि हमको क्या क्या चाहिए। जैसे हमारे API utils बना दिया मैंने api util.ts, सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फेच कर लेंगे const fetch resources, रेसिंग टाइप का रहेगा, किस टाइप का रहेगा ये हम बताने वाले हैं इसको। अभी क्या है ना, हमारे पास कोई API नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे फेक API बनाएंगे जो कि जस्ट प्रॉमिस को रिटर्न कर देगा। कंट्रोल एंड सेट टाइम आउट, कंट्रोल एंड 1 सेकंड के बाद ये डेटा रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ से हमारा डेटा रिटर्न हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, डेटा क्रिएट करना है, राइट। तो सबसे पहले अब हम डेटा क्रिएट करेंगे, राइट। तो डेटा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसका मॉडल चाहिए, मॉडल में किस टाइप का डेटा होगा हमारा। ओके अगेन उसके लिए फिर हम एक और फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेंगे मॉडल्स, एंड फिर मॉडल्स में हम एक utils यस, सो सभी मॉडल्स यहाँ पर आएंगे अब हमारे। तो हमारा मॉडल किस टाइप का होगा, एक्सपोर्ट स्पेस आई रिसोर्स। ओके एंड आईडी और नंबर एंड टाइटल इज स्ट्रिंग, ओके एंड डन, मॉडल इज क्रिएटेड। हम अब हमको पता लग गया है कि हमारा ये मॉडल है। अब हम उस मॉडल के बेसिस पे अपना डेटा मॉक डेटा बना लेंगे। तो मॉक डेटा के लिए मॉक सोर्स डेटा, जैसे मैं 7 कोड बना रहा हूँ सिर्फ, ओके फिल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मैप में आईडी आ जाएगी मेरी आई एंड टाइटल इज पोस्ट सिंपल। अब मेरे को प्रॉमिस रिटर्न होगा राइट यहाँ से, और प्रॉमिस किस टाइप का होगा मेरा, इस टाइप का एरे ऑफ टाइप। ओके सिंपल। तो मैंने फेच रिसोर्सेज बनाया है, ये सिर्फ मैंने मॉक डेटा बना लिया, जैसे 7 रिकॉर्ड बना लिए, एंड मैं आफ्टर 1 सेकंड मैं इस डेटा को रिटर्न कर दूंगा एज ए प्रॉमिस। ओके अब मैं इस रिसोर्स को यहाँ पर यूज कर लेंगे हम। ओके एंड
अभी रिएक्ट क्वेरी में ऑप्शंस होते हैं, तो वो ऑप्शन किस टाइप के होंगे, यूज क्वेरी ऑप्शंस में हम पास करेंगे किस टाइप का हमारा डेटा है, सबसे पहले वो है एरे टाइप का, एंड एरे एरर किसका आएगा सपोज अगर कोई एरर आता है। सिंपल, नाउ हमारा ये हुक बन गया कस्टम हुक, अब हम इस कस्टम हुक को अपने यहाँ पर यूज कर लेंगे। सबसे पहले अब हम कंसोल डॉट लॉग लगा के देखेंगे कि हमारा डेटा फेच हो रहा है कि नहीं। ओ रिएक्ट क्वेरी वॉन्ट्स, जो अब अभी हम रिएक्ट क्वेरी यूज कर रहे हैं राइट, तो रिएक्ट क्वेरी को प्रोवाइडर चाहिए होता है जो कि हम रूट लेवल पे देते हैं उसको, तो अब हमको रूट लेवल पे जाना है, ये हमारा रूट लेवल राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक क्लाइंट बनाएंगे जो कि होगा, ये वन टाइम जॉब है ओनली सेटिंग के लिए। और इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी हमको, और रिएक्ट क्वेरी क्या करता है प्रोवाइड प्रोवाइड करता है। क्वेरी प्रोवाइडर और इसको एक क्लाइंट देना होता। इसे रिफ्रेश कर लीजिए, इसको डेटा हमारा अनडिफाइंड है फर्स्ट टाइम क्योंकि डेटा फेच हो रहा है, एंड सेकंड में 7 रिकॉर्ड्स हमारे आ चुके हैं। अब हमको सेम रिकॉर्ड्स को यूआई पे शो करेंगे अब वन बाय वन। ओके तो अभी हमको ये पता लग गया हमारे रिकॉर्ड आ चुके हैं, अब हमको यूआई पे शो करेंगे। अब क्या है ना, रिएक्ट क्वेरी हमको बहुत सारी स्टेट्स देता है, लाइक इज लोडिंग कि डेटा लोड हो रहा है कि नहीं, एंड इज एरर कि अगर कोई बैकेंड से कोई एरर आया तो आप वो दिखा सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन शो करेंगे। अगर सपोज लोड हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, स्पिनर दिखाते हैं मोस्टली। रिएक्ट बूस्टर में एक स्पिनर रहते हैं, ओके ये स्पिनर लोड कर देंगे हम, और एल्स इफ अगर कोई एरर आया सपोज इज एरर है, तो अब हम क्या करेंगे, डेटा फेचिंग एरर, एल्स हमारा डेटा रिटर्न होगा। ओके एंड अब हमको क्या करना है, डेटा को रिटर्न कराना है यहाँ पर, उसके लिए हमको लोड एस का मैप फंक्शन यूज करेंगे हम, और हमारे पास ये डेटा है हमारा, एंड उसमें डेटा एंड इंडेक्स। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिस्ट व्यू यूज करने वाले हैं रिएक्ट का, तो दिस वन को यूज करना है।
कॉपी कर लो जस्ट, में हम अपनी वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो हमको सिर्फ टू वैल्यूज चाहिए राइट। ओके सो अब हमने आईडी दे दी है और यहाँ पर हम आईडी एंटर करेंगे। एंड यहाँ पर पोस्टर टाइटल एंड इसको साइज थोड़ा छोटा कर देंगे हम, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टल। अब हम देखते हैं यूआई पे, आप देख रहे हो कि डेटा रेंडर होना स्टार्ट हो। जस्ट ओके सो डेटा हमारा रेंडर हो गया 7 रिकॉर्ड्स। हम क्या करते हैं इसको तो कंसोल डॉट लॉग से निकाल, सिंपल इजी है ना बहुत। रिएक्ट क्वेरी के थ्रू आप देख रहे हो कि मेरे को इज लोडिंग, इज एरर, डेटा, ये सब स्टेट्स मिल गई हैं। मीन्स बहुत कम हमको कोड लिखना पड़ रहा है और ये सब कुछ रेंडर हो गया। नाउ अब हमने डेटा को रेंडर कर लिया यूआई पे। ओके अब हम बटन्स को रेंडर करेंगे। सो बटन्स को रेंडर करने के लिए मेरे को अगेन एक और हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख लेते हैं जो कि बटन्स को रेंडर करेगा। ओके सो इसमें जस्ट मेरे को नंबर यूज करना है यहाँ पर और रिटर्न करना है एक सेव के अंदर टू बटन्स हो जाएंगे। ओके सो बटन अगेन हम रिएक्ट करी से रिएक्ट बूटस्ट्रैप से यूज करने वाले हैं। सो बटन का नाम होगा एडिट, सेकंड बटन का नाम होगा हमारा डिलीट। फिर कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे, वो प्रॉपर्टीज हम ऐड कर देते हैं। वेरिएंट रहेगा एंड इसको यूआई पे हम रेंडर कर देंगे। ओके यूआई पे बटन रेंडर हो गए एंड एक और बटन ऊपर रेंडर कर लेते हैं हम। सिंपल डन। नाउ अभी हमारा नेक्स्ट जॉब क्या है, नेक्स्ट जॉब है हमारा जैसे ही मैं डिलीट करूँ वैल्यू को सो वो डिलीट हो जाए। फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, एक हुक लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने ये यूज गेट रिसोर्स किया है ऐसे हमको डिलीट के लिए लिखनी पड़ेगी। ये गेट के लिए था, डिलीट के लिए क्या है, यूज म्यूटेशन है। और फिर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो API जो बैकएंड से मीन्स जैसे हम मूव कर रहे हैं वहाँ पर हमको एक बैक API लिखना पड़ेगा जो कि डिलीट करके देगा हमको डेटा और रिटर्न कर देगा और हमको जस्ट को अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको अपडेट कर लेगा। ओके सो फॉर डैट व्हाट वी विल डू इज, इसके लिए हमको एक और हुक लिखनी पड़ेगी
इसका नाम देंगे हम रिसोर्स म्यूटेशन। ओके तो पहले मेरे को डिलीट रिसोर्स एपीआई लिखना पड़ेगा, राइट। तो फिर उसके लिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा, अब हमको एपीआई यूटिल में आना है। अगेन ये मॉडल्स हैं, यहाँ पर अगेन एक और फंक्शन लिखना, const delete resource ये लाइन तो हम सेम ही कॉपी कर लेते हैं। ओके एंड यहाँ पर हमारा किस टाइप का रिटर्न होगा, उसमें कुछ डेटा नहीं होगा। एंड हमको सिर्फ आईडी चाहिए होगी डिलीट करने के लिए, एंड वो आईडी किस टाइप की होगी हमारी। अब हमको इसके लिए एक और इंटरफेस लिखना होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसको पेलोड लिखना होगा हमको। आईडी किस टाइप का, मेरा नंबर टाइप का। एंड यह होगा मेरा नंबर टाइप का। ओके अब आप करेंगे फिल्टर। फिल्टर में हम क्या करेंगे, ओके लोड एस का फिल्टर मेथड यूज़ कर लिया यहाँ पर मैंने, और जो भी आईडी होगी उसको फिल्टर करके और डेटा में ऐड करवा देंगे, सिंपल नथिंग एल्स। ओके एंड यहाँ पर अब मैं ये डिलीट रिसोर्स ये इंपोर्ट कर लेते हैं ऑप्शंस। अब मेरे ऑप्शंस किस टाइप के होंगे यहाँ पर। ओके ऑप्शंस हो गए मेरे पेशेंस, ऑप्शंस में डेटा वॉइड रहेगा, एरर टाइप का आएगा, एंड पेलोड किस टाइप का होगा मेरा। तो आप यहाँ पर इसके देख सकते हो, देखो जैसे डेटा टाइप डेटा क्या किस टाइप का मेरा वॉइड है क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, एरर किस टाइप का, एरर स्टैंडर्ड, एंड पेलोड किस टाइप का, और थर्ड वेरिएबल मीन्स किस टाइप के वेरिएबल होंगे मेरे पेलोड टाइप के। ओके अब हमारा डिलीट टाइप का बन गया, एंड अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब हम तो हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर लेंगे। इसके लिए अब हमको रिसोर्स में
ओके okay, सो अब हम इसको डिलीट पे इस मेथड को कॉल कर देंगे। तो इसके अंदर अगेन बहुत सारे हमारे पास वैल्यूज आ गए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिलीट रिसोर्स, ओके ऑन डिलीट रिसोर्स पे अब हम इस कौन सी आईडी को हमको डिलीट करना है, यहाँ से हमारे पास आईडी आ जाएगी और इसमें हम एसिंक टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ट्राई कैच, मोस्टली हम इन चीज़ों को ट्राई कैच में देते हैं। ओके सो एसिंक का वेट एंड डिलीट म्यूटेशन में, इसमें एक एसिंक म्यूटेट करके है, एक फंक्शन है जो कि आईडी लेगा हमारी आईडी को। ओके एंड डेटा को रिफ्रेश करना है, जो भी बीस जब सॉरी यहाँ पर हमारा एक रिफेच भी मेथड देता है हमको ये। मीन्स रिएक्ट क्वेरी बहुत पावरफुल है एंड जस्ट इसको यूज कर लेना है अब अपने डिलीट पे। दिस इज डिलीट ऑन क्लिक, ये आईडी यहाँ पर पास कर देनी है एंड डिसेबल करना है इसको जब हम डिसेबल कब करना है हमको, जब ये लोडिंग हो रही हो। मैं अगेन स्टेट है लोडिंग के, इज लोडिंग सॉरी नॉट इज आइडल, इज लोड। तो जस्ट रिफ्रेश कर लो आप एंड मैं अगर डिलीट कर रहा हूँ तो ये देखो 01 डिलीट हो गया। सपोज मैं सेकेंड वन डिलीट करता हूँ तो सेकेंड डिलीट होगी, थर्ड फर्स्ट या थर्ड फोर्थ, अगर मैं सिक्स डिलीट करता हूँ तो सिक्स डिलीट हो रही है राइट। अब हमको चाहिए टोस्ट मैसेज कि जैसे मैं डिलीट करूँ तो टोस्ट आना चाहिए राइट। तो उसके लिए अगेन हम क्या यूज करेंगे, रिएक्ट टोस्ट लाइब्रेरी जो हमने इंस्टॉल की थी ऑलरेडी, ये लाइब्रेरी यूज करेंगे हम। तो अगेन इस लाइब्रेरी के लिए फिर हमको क्या करना होगा, एक एक यूटिल्स लिख लेंगे और उसको फिर हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर लेंगे। तो उसका नाम देंगे हम टोस्ट नोटिफिकेशन, इसमें एक पब्लिक मेथड लिखेंगे हम ऐड और उसमें हम मैसेज प्रोवाइड करेंगे जो कि हमको यूआई पे शो करना है एंड यहाँ से अब हम रिटर्न कर देंगे टोस्ट में एक एरर मैसेज है फंक्शन, जस्ट उसमें हम ये मैसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये एरर मैसेज थ्रो करेगा। सेम चीज विथ एड सक्सेस मैसेज,
यहाँ पर एक्सेस फॉर वार्निंग मैसेज, एंड क्लियर ऑल टॉस्ट। जब हमको क्लियर ऑल करना है, ओके सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे ही हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा ये चीज, तो सक्सेस मैसेज क्या होगा, सक्सेसफुली डिलीटेड रिसोर्स। और अगर एरर आया तो एरर मैसेज, एरर इन डिलीटिंग रिसोर्स, ओके। अब हमको क्या करना है, ये टोस्ट हमने यूज कर लिया, ओके। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जस्ट उसकी सी एस एस को इंक्लूड करना पड़ेगा। टू हेयर ओके। सो अभी हमको क्या करना है, जस्ट वन टाइम जॉब है टोस्ट की, हमको इंपोर्ट करनी है सीएसएस को सेम लाइक जैसे हमने रिएक्ट पुशअप किए, एंड एक कंटेनर है जस्ट वो यूज कर लो टॉप पे। हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, ओके सिंपल। तो अभी हम जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, एंड अगर मैं डिलीट करूँगा सक्सेसफुली डिलीटेड रिसोर्स, अगर मैं इसको भी डिलीट करता हूँ तो सक्सेसफुली डिलीटेड रिसोर्स, ओके। बहुत बहुत ईजी है। तो इस वीडियो में अभी तक हमने, मैं अभी एडिट एंड न्यू पोस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और मोस्टली अगर गाइज आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस किए हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की ट्राई करूँगा। या तो थैंक्स इट। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस वीडियो में हमने जैसे क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर रिएक्ट क्वेरी के लिए हम यूज़ करते हैं, टोस्ट नोटिफिकेशन के लिए कंटेनर टोस्ट नोटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड कंटेनर ये मैंने रिएक्ट क्वेरी से यूज़ किया है, ओके। एंड रिसोर्सेज हम मैंने एक फोल्डर एक कॉम्पोनेंट बनाया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट क्वेरी के थ्रू हम डेटा को फेच कर रहे हैं फ्रॉम द like it's a mocking thing, okay, and delete resources and fetch resources। और next video में हम edit and new post के बारे में देखने वाले हैं। और जैसे मैंने simple कह के delete resource पे just मैंने mutate async के through मैंने delete कर दिया data को, refetch कर लिया again को, and successful warn message दिखा दिया, अगर error आता तो error show कर देता, button render कर लिया सिर्फ। और simple यहाँ पर मैंने map के through, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में सिखाया था कि कैसे हम
लिस्ट को शो कर सकते हैं एक फुल डेटा का। ओके सो इसके थ्रू मैंने यहाँ पर डेटा को शो कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये जस्ट स्टेट्स को मेंटेन कर लिया है। तो थैंक्स ऑल, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।